तरीके से पूरी कार्रवाई नहीं है, आपका क्या कुछ रहा है आरोपी की गिरफ्तारी के? कल बामोर थाने में 3 साल की जो नाबालिग बच्ची है उससे दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके द्वारा हमारे द्वारा तत्काल टीमें बना दी गई थी, जहां चप्पे चप्पे पर दबिश दी गई और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और जब पता किया तो आरोपी का जो मकान था जिसमें वो रहता था वो पूरा अवैध बना हुआ था, तो राजस्व विभाग का सहयोग लेके प्रशासन के द्वारा उसके अवैध मकान के जो अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया है। चूँकि जहाँ तक हम लोगों ने अभी आरोपी का जो आपराधिक रिकॉर्ड निकलवाया है वो इस तरीके के हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसके खिलाफ़ पूर्व में भी 376 के अपराध पंजीबद्ध हो चुके हैं, जिसमें वह 7 साल की सज़ा भी काट गया है। दोस्त पे 354 के अपराध भी पंजीबद्ध हैं और ये फिर उसने 376 की वारदात की है, जिसकी सघन इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाएगा। बच्ची अभी ठीक है, उसको ग्वालियर रेफर कर दिया है जहाँ उसका निरंतर डॉक्टरों की निगरानी में है, उसका इलाज चल रहा है, जल्दी बच्ची पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।